जमीन पर कब्जा करने का मामला है और साथ में 327 के अलावा 323, 504, 506 और अन्य कई अन्य भी धाराएं हैं इसमें। आज उसके एक आरोपी इश्तियाक सोलंकी को जाजमऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कानपुर में जाजमऊ थाने की पुलिस ने जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक सोलंकी को अरेस्ट किया। इश्तियाक सोलंकी पर प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप है। बीते साल नसीम आरिफ नाम के शख्स ने यह FIR दर्ज कराई थी। जांच के बाद जाजमऊ थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। देखिए ये मुकदमा अलग है। ये मुकदमा 152/2022 है जो जाजमऊ थाने में है। ये जमीन पर कब्जा करने का मामला है और साथ में 327 के अलावा 323, 504, 506 और अन्य कई अन्य भी धाराएं हैं इसमें। कानपुर के बेगमगंज कंगी मोहाल के रहने वाले मोहम्मद नसीम आरिफ ने इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक सोलंकी के खिलाफ नवंबर 2022 में FIR दर्ज कराई थी। मोहम्मद नसीम आरिफ ने इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक सोलंकी और भाई रिजवान समेत तीन अज्ञात लोगों पर जमीन कब्जा करने, रंगदारी मांगने, विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले की जांच कर रही जाजमऊ थाने की पुलिस ने आरोप सही पाया। इसके बाद इश्तियाक सोलंकी को अरेस्ट कर लिया। देखिए ये मुकदमा अलग है। ये मुकदमा 152/2022 है जो जाजमऊ थाने में है। ये जमीन पर कब्जा करने का मामला है और साथ में 327 के अलावा 323, 504, 506 और अन्य कई अन्य भी धाराएं हैं इसमें। इसकी विवेचना पिछले कुछ महीनों से प्रचलन में थी और सभी संबंधित जो एविडेंसेस हैं, जो गवाह हैं, उनको एग्जामिन करके एविडेंसेस को कलेक्ट करके आज उसके एक आरोपी इश्तियाक सोलंकी को जाजमऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और विवेचना सही तरीके से पूरी करके न्यायालय को सौंप दी जाएगी। विधिक प्रक्रिया प्रचलन में। इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद इरफान की पैरवी उनके चाचा इश्तियाक सोलंकी ही कर रहे थे, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी के बाद सिर्फ इश्तियाक ही नहीं, जेल में बंद इरफान सोलंकी का पूरा परिवार की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। JCP आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि इरफान सोलंकी के चाचा समेत चार लोगों पर जाजमऊ में जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना कई महीनों से प्रचलित थी, जिसमें इश्तियाक सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है।